एक बार फिर से अनुपमा और वनराज के बीच दूरियां जहां कम होते हुए नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब वनराज और अनुपमा एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि वनराज को ऐसा लगता है समर की शादी नंदिनी से नहीं हो सकती क्योंकि नंदिनी काव्या की भांजी है। वहीं दूसरी तरफ वनराज को ऐसा लगता है नंदिनी की मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद नंदिनी एक अच्छी लड़की नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा वनराज को समझाने की कोशिश करती है, डिवोर्स हो जाने से ये प्रूफ नहीं होता कि नंदिनी एक अच्छी लड़की नहीं है, क्योंकि हमारा भी तो डिवोर्स होने वाला है, उसके बाद पाखी के भी बारे में लोग कुछ ऐसा ही सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ वनराज अब करने वाला है कोशिश ताकि नंदिनी की शादी समर से ना हो पाए। अब ये देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अनुपमा अब जाने वाली है वनराज के खिलाफ और वह नंदिनी और समर को एक करना चाहती है। अब वनराज क्या करने वाला है नंदिनी और समर को अलग करने के लिए, या फिर वनराज उनके रिश्ते से सहमत हो जाएगा, ये देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।